नमस्कार। रेलवे हमारी आपकी इस देश की लाइफलाइन कही जाती है। लाइफलाइन मतलब हमारे जीवन का आधार, हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी। इसका 100 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास है। हर व्यक्ति बड़ा छोटा इस रेलवे से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में रेलवे के निजीकरण को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ये निजीकरण कितना सही है कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो मेरा ये मानना है कि इस निजीकरण से रेलवे को कोई विशेष लाभ या फायदा नहीं होने वाला। रेलवे ने 109 निजी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ऐसा नहीं है ये पहली बार है, इसके पहले भी रेलवे ने निजीकरण के माध्यम से बहुत सारे काम करवाए हैं। इनमें 3 उदाहरण तो मैं आपको अभी दे सकता हूं। पहला, रेलवे स्टेशन की साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, रेलवे स्टेशन की साफ सफाई जो काफी हद तक या लगभग हर स्टेशनों में निजी हाथों में सौंपी जा चुकी है, क्या वाकई में उसमें साफ सफाई होती है? रेलवे के अधिकारियों का तर्क है करते हैं, आम जनता का कुछ और मानना है। हाल ही में भोपाल रेलवे स्टेशन की स्वच्छता और साफ सफाई को लेकर रैंकिंग में बहुत नीचे स्थान मिला था, नंबर भी बहुत कम थे। रेलवे अधिकारियों का अजीब सा तर्क था कि ये बारिश के मौसम में सर्वे किया गया, इस वजह से गंदगी थी। कहने का मतलब क्या है कि बारिश में गंदगी सही है? दूसरा उदाहरण, रेलवे ने कई ट्रेनों में एसी कोच में बेड रोल का ठेका निजी हाथों में दिया। बेड रोल उसे कहते हैं, कंबल चद्दर वगैरह जो आपको मिलता है। उनके हालात सबको पता है। तीसरा, रेलवे ट्रेन के अंदर कोच के अंदर सफाई, साफ सफाई का बहुत दावे किए गए, बावजूद उसके हमारी ट्रेनों में कॉकरोच, चूहे, मच्छर बिना टिकट यात्रा करते कई बार दिखे, जिसका खामियाजा या परेशानी यात्रियों को हुई। आम यात्री को रेलवे कहता है हमने सुविधाएं दी हैं शिकायत करने की, फीडबैक देने की, ट्विटर, फेसबुक, टोल फ्री नंबर वगैरह वगैरह। शिकायत भी होती है, पर उनमें कार्रवाई कितनों में होती है ये शायद ना आपको पता है ना मुझे, रेलवे वाले ज़रूर जानते हैं। इन माध्यमों से प्राप्त हुई शिकायतों पर रेलवे कितना सीरियस है यह तो तभी सामने आएगा जब उन शिकायतों के आधार पर की गई कार्रवाई का विवरण रेलवे देगा। भोपाल स्टेशन या किसी भी अन्य स्टेशन पे जो मैकेनाइज क्लीनिंग का ठेका दिया गया, साफ सफाई का, उस ठेके पे रेलवे के अनुसार उन्होंने अपना एक असेसमेंट किया। उदाहरण स्वरूप, किसी स्टेशन पे 100 व्यक्तियों की आवश्यकता है या 90 की आवश्यकता है, 30-30 आदमी 3 शिफ्ट में, 24 घंटे की, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट। मेरी रिसर्च या मेरा ग्राउंड वर्क ये कहता है कि जितनी भी ठेकेदार का ये काम निजी ठेकेदारों को दिया गया है, लगभग सभी जगह कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, पूरे 90 या जितनी आवश्यकता है उतनी मैन पावर काम नहीं कर रही, कागजों में है वास्तविकता में नहीं है। इटारसी आप जाके स्वयं देख सकते हैं, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। निजी ट्रेन है, ये तो बात हो गई 3 उदाहरण की जो हम पिछले करीब 5 सालों से देखते आए हैं। निजीकरण की बात पिछले 5 सालों में बहुत तेजी से सामने आई है और ऐसा हुआ भी है। कुछ समय पहले रेलवे ने दावा किया था कि हम रेलवे का निजीकरण नहीं कर रहे, इसको लेके अलग अलग बयान सोशल मीडिया और इन सब में भी आए, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आई, पर रेलवे का दावा ये सही है? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। रेलवे ने उस समय निजीकरण की बात को ठंडे बस्ते में डाला, बाद में बैकडोर एंट्री के माध्यम से IRCTC को मार्केट में लाया, ये कहते हुए IRCTC सरकारी है, पर ये पूरी तरह आपकी गलत फहमी है। IRCTC सरकारी नहीं है, ना ही सरकार का उसमें कोई बस चलता है, कुछ शेयर होल्डिंग जरूर है। IRCTC की ट्रेनें चलने के बाद उन्होंने, रेलवे ने आप फैसला लिया है कि हम 109 निजी ट्रेनें चलाएंगे,
अलग अलग रूट में। अब हम अलग अलग जगह नहीं जाते, भोपाल का उदाहरण लेते हैं, संभावित रूटों में या जो मेरी जानकारी है उस अनुसार इन निजी ट्रेनों में भोपाल से पुणे के बीच की भी बात चल रही है। ये वही भोपाल से पुणे जो रूट है, ये वही रूट है जिस पे सबसे ज़्यादा रश या डिमांड रहती है। और पिछले करीब 4 सालों से जो मैंने स्वयं देखा है, हमारे जनप्रतिनिधि जिसमें सांसद जी तक शामिल हैं, उन्होंने भी रेलवे से मांग की कि भोपाल से पुणे रेगुलर ट्रेन चलाई जाए, पर रेलवे का तर्क था कि पुणे में जगह नहीं है, पुणे स्टेशन पे हम गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। रेलवे की अपनी तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं, प्लेटफॉर्म खाली होने का मतलब ये नहीं है कि जगह है, उसका एक तरीका होता है, पार्किंग बे होता है, यार्ड होता है जहां ट्रेनें खड़ी होती हैं, साफ सफाई होती है, मरम्मत होती है, इस वजह से वहां पर रेगुलर ट्रेन नहीं चल सकती। पर फिर भी यात्रियों की डिमांड को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने गर्मियों में समर स्पेशल तक के नाम पे या विशेष ट्रेनों के नाम पे टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी थी पिछले कुछ सालों से। अब उसी ट्रेन पे, उसी रूट पे एक नई निजी ट्रेनें आए, निजी ट्रेन चलेगी। सवाल उठता है इस निजी ट्रेन के लिए जगह कहाँ से आई, अब रेलवे के वो तर्क कहाँ गए, कहाँ खड़ी होंगी ये निजी ट्रेनें जिस ट्रैक पे चलेंगी रेलवे में, वो रेलवे का ट्रैक रेलवे का है जिसका ऑपरेटिंग, जिसका परिचालन रख रखाव सारा काम रेलवे करेगा। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अपने तर्क लगाए हैं, उन्होंने अपने तर्क निकाले हैं, उन्होंने कैलकुलेट किया है, ये सारे खर्चे जोड़ के एक अमाउंट निकाला है, उसके ऊपर जो भी देगा हम उसको कह देंगे आप चला लो। पर इन निजी ट्रेनों से आपको बहुत नुकसान होगा, किसी का फायदा हो ना हो पर आपका नुकसान है। इनमें कोई भी रियायती दरों की टिकट नहीं मिलेगी, टिकटों की दर निजी ऑपरेटर फाइल अपने हिसाब से उसका निर्धारण कर पाएंगे। भोपाल से पुणे जाने वाली कई ट्रेनें हैं, कई लोग हैं, पर ऑप्शंस नहीं है, ले दे के कुछ बसें हैं, डायरेक्ट फ्लाइट रूट भी नहीं है, डिमांड ज़्यादा है। सवाल उठता है कि ये वही निजी ट्रेनें जिसका परिचालन रेलवे करेगा, उसके कर्मचारी करेंगे जो पॉइंट मैन से लेके कंट्रोल तक में बैठे हैं, एक नहीं विभिन्न जो जोनों में मंडलों में, वही इंजीनियरिंग का स्टाफ है ट्रैक मैन से लेके ऊपर सीनियर डीएन को तक, जो मेंटेनेंस करेंगे सब करेंगे, वही सिग्नल है जिसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो भी है वो एसएनटी शाखा करेगा रेलवे का। सवाल यह है कि रेलवे ने किन आधारों पर यह तय किया कि एक ट्रेन के चलने में इतना खर्च आता है, जबकि वही रेलवे का एक तर्क ये भी है कि नई ट्रेनें चलाने पे कि हमारे पास ट्रैक में कंजेशन ज़्यादा है, हम उन ट्रैकों पे गाड़ियां और नहीं चला सकते। स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए तीसरी लाइनें, जहाँ पे 2 लाइन थी वहाँ 3 लाइनें लाई जा रही हैं, भोपाल से इटारसी सबको पता है, बीना पता है, 3री लाइन बनी है। ऐसे ही कई जगह पे जहां सिंगल ट्रैक थे वहां डबल किए गए, डबलिंग प्रोजेक्ट है, ट्रिपलिंग प्रोजेक्ट, तो अलग अलग प्रोजेक्ट है। ये निजी ट्रेनें समय पे चलेंगी ऐसा रेलवे का दावा है, समय पे नहीं चलेंगी तो शायद कुछ भुगतान या जुर्माना जो भी लगाया जाए वो तो समय बताएगा। पर इतना जरूर है कि निजी ट्रेनों से आम आदमी को, आम यात्री को कोई विशेष फायदा नहीं होने वाला। हालांकि एक उम्मीद जरूर जल्द लगाई जा सकती है कि शायद समय पे पहुंचे, क्योंकि ये निजी ट्रेनें जब चलेंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी ट्रेनों को साइड करके पहले इनको प्राथमिकता से निकाला जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि रेलवे की अपनी ट्रेनें जो हैं, स्वयं की जो ट्रेनें हैं, उनका औचित्य कुछ नहीं रहेगा। यदि ऐसा है तो ये बहुत बड़ा छलावा है। जब आपका वही स्टाफ, वही पटरियाँ, वही सिग्नल, वही ऑपरेटिंग कर्मचारी अधिकारी मिलके प्राइवेट ट्रेन को समय पर चलाने का दावा कर सकते हैं, तो हमारी अपनी भारतीय रेलवे की जो अपनी ट्रेनें हैं उन पे, उनका ये दावा उन ट्रेनों पे क्यों नहीं लागू होता, वो क्यों लेट होती हैं, इसका जवाब नहीं है। तकनीकी समस्याएं आती हैं सब कहते हैं, लेकिन इसको कैसे सुधारेंगे इसका जवाब नहीं। रेलवे की पंक्चुअलिटी कहीं 90 है, कहीं 80 है। निजीकरण से फायदा नहीं होने वाला। रेलवे का दावा रहता है कि वो अपनी ट्रेनों पे 30-40% सब्सिडी देते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन की सब्सिडी, या कहने का मतलब जितना खर्च रेलवे एक ट्रेन को चलाने में करती है उतना हम किराए से नहीं वसूलते। ठीक है, होना भी चाहिए, आम आदमी के लिए है। पर जैसा कि मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, स्टेशन की सफाई, बेड रोल और ट्रेन के अंदर कोच की सफाई,
ये कितनी कारगर साबित हुई या सिद्ध हुई ये तो आप ही जानते हैं। इनकी शिकायतें जितनी की गई उसमें कितनी कार्रवाई रेलवे ने की ये रेलवे अधिकारी जानते हैं। मेरा रिसर्च ये कहता है कि ट्विटर या इनके माध्यम से प्राप्त इन तीनों संबंधित शिकायतों पर रेलवे 90% से ज़्यादा मामलों में सिर्फ एक वार्निंग लेटर ठेकेदार को जारी करके इतिश्री कर लेता है। क्या यही तरीका है? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। ये निजी ट्रेन पे यदि भोपाल से पुणे का किराया यदि लगभग 2,000 रुपये है तो निजी में हो सकता है 4,000 हो। गर्मी का टाइम हो, दिवाली का टाइम हो, जब पीक टाइम होता है, लोगों की मजबूरी है, दूसरा कोई साधन नहीं हो, तो 4,000 रुपये खर्च करके जाएंगे या अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं या पढ़ने भेजते हैं, मजबूरी में बुलाना पड़ेगा। फायदा क्या? आम आदमी को क्या फायदा? रेलवे कह रहा हमें फायदा है। कितना फायदा है, किस आधार पे है, इसकी गणना के लिए जब मैंने यहाँ के रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया तो कई अधिकारियों के पास जवाब नहीं था, बोले वो बोर्ड से हुआ है। रेलवे बोर्ड में जाओ तो वहां पे जवाब ना के बराबर मिलता है। पिछले 3 सालों में रेलवे की जो हालत हुई है, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि लगभग हर सिस्टम को अपंग किया गया है ताकि निजीकरण को बढ़ावा देने का आधार मिल सके। कैडर मैनेजमेंट उसका एक बहुत बड़ा कैडर मर्जर जो किया गया, हटा दिया गया कैडर रेलवे बोर्ड में, वो उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हो सकता है ये पूरी तरीके से अभी लागू नहीं हुआ हो, लेकिन ये प्रक्रिया चालू है। जो रेलवे में अलग अलग सेक्शन की परीक्षाएं सेक्टर के अधिकारी होते थे, इलेक्ट्रिकल के अलग, ट्रैफिक के अलग, मैकेनिकल के अलग, उनको सबको हटा दिया गया। निजीकरण से आम आदमी को कितना फायदा होगा, रेलवे को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, जो दुर्भाग्य से अभी तक नहीं आया, सिवाय एक के कि ये समय से चलेंगी, सुविधाएं ज़्यादा होंगी। सवाल ये है कि हमारे रेलवे के ही ट्रैक पे रेलवे के ही लोग उसको चलवाएंगे, जो ड्राइवर होगा लोको पायलट वो भी रेलवे का होगा। जब वही ड्राइवर, वही लोग, वही पटरियां हैं तो अपनी ट्रेनें क्यों नहीं ये सुधारते? इसके पीछे बहुत कही अनसुन कही अनकही कहानियां हैं। वो कहानियां कितनी सच हैं वो तो समय बताएगा, पर इतना जरूर है कि इस निजीकरण से किसी को फायदा नहीं होगा। उदाहरण एक और दे देता हूं लगे हाथों चलते चलते। हमारे भोपाल में हबीबगंज स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का दावा किया गया। शुरुआत में आपने पढ़ा होगा रेल मंत्री के ट्वीट में, रेल मंत्रालय में, सब में ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन कहते थे। बाद में वर्ल्ड क्लास शब्द हटा दिया। वर्ल्ड क्लास शब्द हटाने के पीछे भी एक अलग थ्योरी है, क्योंकि वो पैरामीटर ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। आज इसी हबीबगंज स्टेशन पे जो पार्किंग चार्जेस हैं वो 4 से 5 गुना बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए। एक साधारण यात्री जो MST पास लेता था वो पार्किंग में महीने भर में 300 रुपये की पर्ची कटा लेता था, 300 या 400 की। अब वो सिस्टम बंद हो चुका है, 4 गुना महंगा हो चुका है। रेलवे से आप शिकायत करें तो रेलवे कहते हैं कि हमारे अंडर में अब ये नहीं रह गया। ये किसके अंडर में है? ठेकेदार के अंडर में, जो भी निजी कंपनी है। जब ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तब तो भगवान ही मालिक होगा। वहाँ क्या मिलेगा, पानी की बोतल 15 की मिलेगी या 25 की, वो भगवान मालिक है, क्योंकि इसका निर्धारण निजी कंपनी करेगी। सुविधाएं मिलेंगी या नहीं वो समय बताएगा, लेकिन हमारी जेब से ही पैसा लेके, दुगना पैसा लेके आपने व्यवसायीकरण किया है। इनके जवाब आने वाला समय बताएगा। मेरा ये मानना है कि इस निजीकरण से रेलवे को बहुत फायदा नहीं होगा। अब इसके पीछे कुछ हिडन बातें हों तो वो तो ऊपर वाले अधिकारी ही जानते हैं। आम यात्रियों की जेब ये भारी, मतलब ये जो निजी ट्रेनें हैं ये उनकी जेबों पे भारी पड़ने वाली हैं। किराया 4 गुना तक बढ़ सकता है, हालांकि निर्धारित नहीं है पर ऐसा अनुमान है। किस बेस पे ये निर्णय लिया गया? संसाधन हमारे, रखरखाव हमारा, परिचालन हमारा मतलब भारतीय रेलवे का, चला कौन रहा है? प्राइवेट ठेकेदार। पैसा वो लेगा, रेलवे को एक निर्धारित रकम दे दी है। इस निजीकरण से आम यात्री का कोई फायदा नहीं है, इतना तो निश्चित तौर पे अभी प्रारंभिक तौर पे दिख रहा है। बाकी आने वाला समय बताएगा। नमस्कार।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।